गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस। अपना नदियों वाला टॉपिक चल रहा है और अपनी यांत्रिक प्रवाह वाली नदियां आज स्टार्ट करते हैं। अपना अरब सागर वाली नदियों वाला पूरा ख़त्म हो गया और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि काम की चीज़ है। एग्ज़ाम जैसे अधिनियम मंत्रालय ने अपने प्रस्तावित डेट आपको डाली दी है और पटवारी की 28 फरवरी 2021 को है, तो अभी अपन को लग रहा है बहुत दिन है, लेकिन टाइम जाने में कुछ समय नहीं लगता, क्योंकि महीने बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। दिवालियों आ जाएंगी तो उसकी सफाई अपाई में लग जाओगे। अब रक्षाबंधन आ रही है तो ऐसे टाइम का पता नहीं कब चले जाए, तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से करो और जब तक एग्ज़ाम हो कम से कम 2 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो आप, तो ही समझो कि हमारी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास है और आप सिलेक्शन के दौर में शामिल हो। हाँ, आगे अपन देखते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। देखो, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ वो कहलाती है जो अपना जल किसी भी समुंदर में न ले जा सके, वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। वो किसी रेगिस्तान या किसी खारे पानी की झील में ही लुप्त हो जाए, यानी उनकी शक्ति खत्म हो जाए। जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कुल क्षेत्रफल के 60.2% यानी 60.2% भाग में स्थित है, ध्यान रखना, हम राउंड फिगर में डाल लेते हैं 60%। आंतरिक प्रवाह वाली राजस्थान के 60% क्षेत्रफल में स्थित है सबसे अधिक, क्योंकि कौन बता सकता भाई यहाँ की नदी नहीं जा रही है। और आपको पता है बिना नदियों वाले जिले तो दो ही हैं, एक तो बीकानेर और एक चूरू। अगर बिना नदियों वाले संभाग भी पूछे तो आपको बीकानेर देना। और किस जिले में अपनी कोई स्वतंत्र नदी नहीं है, किस जिले में अपनी कोई स्वतंत्र नदी नहीं है, तो वो होगा गंगानगर। कौन सा होगा भाई? गंगानगर, क्योंकि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ और गंगानगर इसलिए आ गया क्योंकि गंगानगर में अपनी कोई स्वतंत्र नदी नहीं है। जब अत्यधिक बरसात हो जाए तो जो घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ होते हुए कहाँ चल जाता है? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में कहाँ चल जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में। पाकिस्तान के कहाँ चल जाएगा? फोर्ट अब्बास में। इस चीज़ को ध्यान रखा करो। हाँ, देखो, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ यानी जिनका उद्गम राजस्थान से हो या राजस्थान के बाहर से हो, हमको ये मतलब नहीं है, उद्गम से कोई मतलब नहीं है, उनका उद्गम राजस्थान से हो या बाहर से हो, लेकिन अपने राजस्थान में वो आनी चाहिए। और किसी रेगिस्तान में वो लुप्त हो जाए या खारे पानी की झील में लुप्त हो जाए, वो क्या कहलाती है? आंतरिक। एक लाइन याद कर लेना भाई, राजस्थान में कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, जैसे आपसे कोई पूछे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपन करना घग्गर। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। कौन सी है? कांतली, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं तो आप याद भी कर लो। एक चीज़ देखो, आप ये लाइन याद कर लेना, जैसे काका सा के घर में खरगोश खाता है, लाइन क्या याद करी? ये इस लाइन में सभी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां खत्म। आप लाइन याद करो, काका सा के घर में कौन खाता है? खरगोश। कौन खाता है? खरगोश। देखो, पहले नदी करते हैं कांतली। कौन सी? कांतली। उसके बाद में कांकने, उसके बाद में साबी, उसके बाद में घग्गर, उसके बाद में रूपनगढ़, मैथा, खारी, रे का रूपा रेल और खे का खंडेला। ये राजस्थान में अधिकतर आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। क्या लाइन याद करोगे? काका सा के घर में कौन खाता है? खरगोश। यानी कई तो कुत्ते पालते, इन्होंने क्या पाल रखा है? खरगोश। तो खरगोश खाता है काका सा। यानी काका सा किसे कहते हैं? जो पापा का छोटा भाई होता है ना, उसे बोलते हैं काका सा। राजपूत लोग,
कौन बोलते याद है, राजपूत लोग जो अपने सबके पीछे सा लगाते हैं, जैसे बाबा सा, बाबी सा, भाई सा, ये चीज। तो काका साहब के घर में खरगोश खाता है, पहला कांकली, फिर कांकने, फिर साबी, के का कोई मतलब नहीं, घग्गर, रूपनगढ़, मैथा, खारी, रूपारेल और खंडेला, ये राजस्थान में अपने आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अब एक चीज अपन देखते हैं, पहला कांतली नदी, कौन सी नदी देखोगे, कांतली नदी, देखो कांतली नदी, कांतली नदी अपन को देखा है। तो इसकी कुल लंबाई, पहले तो अपन देखते हैं कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर, कितनी है 100 किलोमीटर। तो राजस्थान की ये पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की क्या है, पूर्णतः बहने वाली ये सबसे लंबी नदी। ये देखो आप, ये एक जिला ये, उसके बाद में एक जिला ये। अब आप देखो, ये सीकर, ये झुंझुनू और ये अपना चूरू, तीन जिले। अब उद्गम, उद्गम देखो, उद्गम कहां से है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर। देखो उद्गम कहां से है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर, उद्गम कहां से, खंडेला की पहाड़ियां सीकर। और इस नदी किनारे ध्यान रखना, कांतली नदी किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। ये कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन, कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, कैसी सभ्यता, ताम्रयुगीन। या जो मछली पकड़ने के तांबे के क्या मिले, औजार, ध्यान रखना यहाँ पे अपन को मिले मछली पकड़ने के तांबे के औजार, और जो या कांटे भी बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, किस सभ्यता में तांबे के औजार मिले, वो कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। बात खत्म आ जाती है अपनी। फिर देखो किन किन जिलों में बहरी है, सीकर और झुंझुनू में, सीकर और झुंझुनू जिले में। अब सीकर व झुंझुनू जिले में इसके जो प्रवाहित क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी, क्या कहा जाता है, तोरावाटी। ध्यान रखना झुंझुनू और सीकर जिले में कांतली नदी के प्रवाहित क्षेत्र को क्या कहा गया, तोरावाटी, क्या कहा गया, तोरावाटी। और जैसे ही चूरू की सीमा प्रारंभ होने से पहले ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, चूरू की सीमा प्रारंभ होने से पहले क्या हो जाती है, लुप्त। तो ये पर्टिकुलर कितने जिले में रहती है, दो, कौन कौन से में, सीकर और झुंझुनू में। उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, कौन सी सभ्यता, गणेश स्वर ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है प्रवाहित क्षेत्र को, तोरावाटी कहा जाता है। यह आपकी कांतली नदी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कांकने नदी, कौन सी देखते हैं, कांकने। देखो कांकने या कांकनिये या मसूरदी, मसूरदी, ये इस नदी के नाम है, कांकने, कांकनिये या मसूरदी। तो उद्गम कहां पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में ही है। देखो ये जैसलमेर जिला, इसका उद्गम होता है वो जैसलमेर में, जैसलमेर में कहां, रामगढ़ की पहाड़ियां, कौन सी है, रामगढ़ की पहाड़ियां। एक तो सोले वाली बसंती रामगढ़ की थी, तो वो सोले वाला रामगढ़ नहीं है, ये जैसलमेर वाला रामगढ़ है। तो कहां पर है, रामगढ़ की पहाड़ियां। अब देखो इसमें ये जैसलमेर में ही बहती है, जैसलमेर में लुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर, कितनी है 17 किलोमीटर। ये नदी, ये नदी है,
ये ऐसे भुज झील का किसका निर्माण करती है, ये भुज झील का। अगर कई बार क्वेश्चन आता है भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, कांकने नदी। ये एक अस्थायी झील होती है। भुज झील क्या होती है, अस्थायी झील। भुज झील होती है अस्थायी झील। तो रामगढ़ में उद्गम भुज झील का सर्वाधिक निर्माण, और ये जैसलमेर में ही मीठा की खाड़ी में, मीठा की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। हाँ, लुप्त हो जाती है, मीठा की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। ये आपकी कौन सी नदी खत्म हो जाती है, कांकने नदी। देख लो कांकने, कांकने मसूदी 17 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको ये भी कह सकते हैं सर्वाधिक मार्ग बदलती है। और ये भुज झील क्या होती है, अस्थायी झील। क्या होती है, अस्थायी झील। हाँ, पाकास। नेक्स्ट लेते हैं साबी नदी। कौन सी नदी आती है, साबी नदी। देखो साबी, साबी नदी। नेक्स्ट होती है साबी नदी। देखो साबी नदी का जो उद्गम है ये यहां से होता है, ये जयपुर, ये सीकर, इन दोनों के मध्य में एक पहाड़ी है सेवर। सेवर की पहाड़ियां, लेकिन ये पहाड़ियां ज्यादातर कहां है, जयपुर में। तो अपन करेंगे साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियां। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, तो वो है सेवर। सेवर, लेकिन वो सेवर कहां है, भरतपुर में। वो सेवर कहां है, भरतपुर में। और ये सेवर की पहाड़ियां कहां है, जयपुर में। अब ये नदी देखो, जयपुर उद्गम कहां हुआ, जयपुर। अब उसके बाद में आगे बढ़े अपन, जयपुर के बाद में नदी कहां आ गई, दौसा। जयपुर के बाद में नदी कहां आ गई, दौसा। दौसा के बाद में नदी कहां आ गई, अलवर। दौसा के बाद में नदी कहां आ गई, अलवर। वैसे याद करने का तरीका जैसे जेडीए, जयपुर दौसा अलवर, जेडीए जयपुर दौसा अलवर। तो ये नदी यहां आ गई, सेवर की पहाड़िया उद्गम दौसा अलवर। अब उसके बाद में नदी कहां चले गई, हरियाणा में, हरियाणा में। और हरियाणा में नजफगढ़ झील, हरियाणा में नजफगढ़ झील में ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। हरियाणा में नजफगढ़ झील में ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ध्यान रखना। तो ये साबी नदी, उद्गम जयपुर में सेवर की पहाड़ियां, दौसा अलवर, और हरियाणा में ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखो, जयपुर, जयपुर में इस नदी किनारे जोधपुरा सभ्यता मिली है। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा। जयपुर में इसी नदी किनारे जोधपुर, जोधपुरा सभ्यता मिली है। कौन सी सभ्यता मिली है, जोधपुरा सभ्यता मिली है। और देखो ध्यान रखो, ये जोधपुरा सभ्यता जो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है, या किसके अवशेष मिले अपन को, हाथी दांत के। जोधपुरा सभ्यता में अपन को मिले हाथी दांत के अवशेष मिले। ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता में अपन को हाथी दांत के अवशेष मिले। किसके अवशेष, हाथी दांत के। अपन ने अभी तक दो सभ्यता भी देख ली, एक तो गणेश्वर, एक जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता जयपुर, किसके अवशेष मिले, हाथी दांत के अवशेष मिले। हाँ, काकासा। अब अपनी आती है घग्गर नदी। अब अपनी आती है घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी को अपन पढ़ेंगे विस्तार से कल, आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है, राजस्थान की यांत्रिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यहाँ कालीबंगा सभ्यता स्थित है जो हनुमानगढ़ जिले में। इसे हकरा कहा जाता है, इसे राजस्थान का सो कहा जाता है। ये सब कुछ अपन इसमें कल आपको बताएंगे। इस वीडियो को बार बार देखो, जो भी चाणक्य के वीडियो होते हैं उन्हें पूरा देखा करो, क्योंकि एग्जाम पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो फरवरी में तो है ही, इससे ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं।
और फरवरी ज़्यादा दिन की है नहीं। करंट भी देखो, सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी सर, तो उनका हौसला बढ़ाओ आप। जितना ज़्यादा देखोगे तो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। जब आप ही सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों मेहनत करेंगे। इसलिए आपको बार बार यही है, आप पूरा देखो। थैंक यू।